हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो भी मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप तक वो पहुँच सकें, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी नई वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा के, बेल आइकन दबा के, नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आफ्ताब। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 10 डेज हो गए। 10 डेज हो गए। कौन से गियर में गाड़ी चल रही है? चौथे गियर। ओके, आपने देखा इनको 10 डेज़ हो गए और बहुत ही स्मूथली गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग अपना ये गोमती नदी वाली रोड पे हैं, फन वाली, और बहुत अच्छी गाड़ी ये चला रहे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हाईवे पे 6 लाइन 4 लाइन की जो लाइनें होती हैं उस पर कार कैसे ड्राइव करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फोर्थ गियर में गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड 40+ है। गियर डाउन करिए, स्पीड ब्रेकर आ गया है। हाँ, अभी जैसे ये लाइनें आपको दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं, सारी चीज़ें हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि डबल लाइन है, सिंगल लाइन है, जो वाइट लाइनें बनी हुई। तो हाईवे पे जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो लाइन के बीच में रखते हैं लाइन, ये जो वाइट लाइन दिख रही है इसके बीच में जो ये एरो का निशान है, आगे से लेफ्ट लेना है। गाड़ी हम इधर उधर लहराते नहीं हैं, ताकि हाईवे पे जो गाड़ियाँ फास्ट चलती हैं, जब आप एक लाइन में चलोगे, सीधे चलोगे, तो धीरे धीरे अपने पीछे से जो भी गाड़ी आएंगी वो अपने आप ऑटोमेटिक ही निकलती रहेंगी। आगे से राइट लेना है, सिग्नल दो। तो इस तरीके से कभी भी हाईवे पे लहराना नहीं है और एक लाइन पकड़ के चलना है, ताकि किसी को पीछे वाले को डिस्टर्ब ना हो राइट का सिग्नल देके। और टर्निंग्स वगैरह जो आती हैं तो राइट साइड लेफ्ट साइड के साइड मिरर में फोकस करने के बाद ही हमें राइट जाना है वापस। धीरे धीरे राइट, सिग्नल दो राइट, वेरी गुड, जाने दो गाड़ी ये पीछे, ध्यान से। हाँ, ये हम लोग समता मुलक चौराहे पे हैं और यहाँ से हम लोग खुर्रम नगर के लिए जाएंगे। और ये बहुत ही बिजी रूट है, बहुत फास्ट गाड़ियाँ आती हैं इस पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट लेके स्ट्रेट चलना है। हाँ, तो कभी भी हाईवे पे और लंबे जो चौड़े रोड होते हैं, काफ़ी चौड़े, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट सीधा सीधा। हाँ, तो उससे क्या होता है, अब जैसे आप देख रहे हैं सामने लाइन, ये 3 लाइन की रोड है। अब ये बीच में लाइनें बनी हैं, एक लेफ्ट में वाइट लाइन, एक राइट में। तो हमें क्या करना है, इसमें बीच में चलना है, ताकि इधर उधर हमारी गाड़ी लहरानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसको कंट्रोल करना है और गाड़ी लहराना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाइट लाइन जो है दोनों टायरों के बीच में कर देते हैं, ये गलत है। एक लाइन में चलना है, अगर आपको बहुत ही स्लो चलना है तो लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ, अगर 20-30 चलना है तो बीच वाली लाइन में, अगर और फास्ट जाना है 40+ तो आप राइट साइड से चल सकते हो जी। इस तरीके से आप चल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, बहुत ही अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फोर्थ गियर है, और ये स्पीड देख रहे हैं आप 40+ है, 50 के आसपास चल रही है गाड़ी। स्टीयरिंग सही पकड़ने का जो तरीका है वो 3 और 9, जैसे कि इन्होंने पकड़ रखा है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो किस जगह चल रहा है, परफेक्टली आपको ये पता चल सकता है। इसको बोलते हैं 3 और 9 क्लॉक टाइम। स्ट्रेट जा रहे हैं, गुड, हॉर्न मारिए, चौराहा है, और स्पीड बढ़ाइए। हाँ, ब्रेक पे पैर रख के आराम से, ध्यान से, कहीं पे भी कोई भी चौराहा हो वहाँ आपको पहले अलर्ट हो जाना है। थोड़ा अलर्ट होने के बाद ही गाड़ी निकालनी, क्योंकि चौराहे पे जहाँ पे खाली रोड होता वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट के। तो इसलिए पहले से हम अलर्ट रहेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। अभी इनकी गाड़ी 60 के आसपास जा रही है, लगभग ये 50-60 के आसपास जा रही है, और गियर कौन सा इनका है, फोर्थ, तो बस इससे ऊपर नहीं जाना है। जो फोर्थ गियर की स्पीड होती है मैक्सिमम 60, 60 की स्पीड उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट में गाड़ी है आपके, ध्यान से साइड मिरर देख के, साइड मिरर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप साइड मिरर पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी और बढ़ेंगी। अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखिए और स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, गुड, वेरी गुड। जब भी किसी के साइड से निकालेंगे तो उसको एक बार हॉर्न दे के अलर्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट में डिवाइडर है, डिवाइडर के जस्ट बगल में एक वाइट लाइन है, जो कि बाइक वाला सटा के चल रहा है उससे। वो वाइट लाइन हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और हमारे जजमेंट के लिए होती है कि हमारी गाड़ी डिवाइडर में ना टकराए। हाईवे पे चलाना बहुत ही ईजी होता है, बट कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में देना होता है। अगर आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
और कोशिश ये करें कि हाईवे पे क्लच पे पैर ना रखें। अगर क्लच पे पैर नहीं रखेंगे तो आपकी क्लच प्लेटें बची रहेंगी, आप क्लच से पैर हटा लीजिए। हाँ, क्लच को एकदम फ्री रखिए। क्लच पे पैर तभी होना चाहिए जब आपको ट्रैफिक में कहीं रुकना है या फिर भीड़ कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि हर दो सेकंड में आपको क्लच लेना पड़ेगा, तभी क्लच पे पैर प्रॉपरली, हमेशा क्लच पे पैर ना रखें क्योंकि पैर का हमारे इतना वेट होता है जिसकी वजह से हमारी क्लच प्लेटें दबी रहती हैं, हल्के सा क्लच दबा रहता है, क्लच प्लेटें, क्लच की जो वायरिंग है वो धीरे धीरे घूमती रहती है, तो हमारी जो क्लच प्लेटें हैं गाड़ी की वो जल जाती हैं, जिससे कि क्लच की लाइफ ख़त्म हो जाती है। और क्लच प्लेटें करीब 10,000 से 20,000 के आसपास चेंज होती हैं, हर गाड़ी का अलग अलग है। छोटी गाड़ियों की 10,000 के आसपास है, बड़ी गाड़ियां जैसे XUV हैं, फॉर्चुनर वगैरह, उनकी 20,000 प्लस है। तो कोशिश ये करेंगे कि हमारा पैर उस पर ना हो। गाड़ी आपकी लहरा रही है ब्रदर, लहरानी नहीं चाहिए। तेज चलाना कोई कला नहीं है, उतनी तेज चलाओ जितना आप संभाल सको, ठीक है ना। भगाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझ, क्योंकि फास्ट में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट वाले साइड में क्लियर दिख रहा है, एकदम पीछे एक ऑटो आ रहा है, राइट साइड वाले साइड मिरर में भी क्लियर दिख रहा है, ये लुकिंग ग्लास है, इसमें बैक साइड, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेफ्ट साइड में जो स्टिक लगी हुई है इससे भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट से स्टिक से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो गाड़ी है वो दोनों लाइनों के बीच में है, स्टिक जो है अंदर आ रही है। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़, पैर रखने का जो तरीका है, इनका ब्रेक पे पैर लेके आऊँ, हाँ वापस एक्सीलेटर पे ले जाऊँ, गुड, वेरी गुड। आपने देखा पैर कैसे, अभी इन्होंने गियर थर्ड डाल दिया है, गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, स्ट्रेट जाना है हमें, सीधा जाने दो, निकल जाएगी खाली पड़ा, हॉर्न मार रही है तेज़ी से और बढ़ा के निकलते रहिए, गुड, और हॉर्न मारिए, स्पीड कम करिए थोड़ा, उसको जाने दीजिए, कार वाले को गियर डाउन करिए, वेरी गुड, जाने दो, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ थोड़ा सा, वेरी गुड, एक्सेलेटर लो, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो, गुड, जाने दो। पहले आप बेटा क्लच छोड़ा करो, फिर उसके बाद एक्सेलेटर दिया करो। हर बार आप क्या करते हो, पहले एक्सेलेटर दबा देते हो, वो गलत है, ठीक है, पहले क्लच पूरा रिलीज़ किया करो, फिर छोटी छोटी गलतियाँ फिर बहुत दिक्कत करेंगी। अब गियर चेंज करो, वेरी गुड, ये फोर्थ गियर हो गया, फोर्थ गियर की स्पीड क्या होती है, 40 से 60, ठीक है, लहराना नहीं है, एक लाइन में चलना है। स्टीयरिंग सही पकड़ने का तरीका एक ये है, और दूसरा तरीका है ये, एक हाथ यहाँ ला लेके आइए, ये इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं, 10-2, 10-2 और 3-9, ये होता है स्टीयरिंग। हाईवे पे आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, बाकी अगर 3-9 पे पकड़ेंगे तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। धीरे धीरे जैसे गाड़ी मूव हो रही, रोड भी मूव हो रहा है, इस तरीके से गाड़ी भी धीरे धीरे मूव हो रही है, बढ़ा लीजिए स्पीड और बढ़ा के चलिए। आज आपकी डबल क्लास हो गई 20 किलोमीटर। जैसे कि आपने देखा बहुत अच्छी कार इन्होंने ड्राइव करी आज हाईवे पे, कॉन्फिडेंस आ गया, अभी कोई भी कार ड्राइव कर सकते हैं। 10 डेज के अंदर इनका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है, और ये कोई भी कार, आपके पास कौन सी है गाड़ी, वरना हुंडई की वरना कार है, इनके पास सेडान है, लंबी करीब 15 फीट की गाड़ी है और बहुत अच्छी कार है वरना, और उसी को इनको चलाना है। और जिस तरीके से आज इन्होंने चलाया है तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मेरी मेहनत सफल हो गई है और बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही है इनसे और बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।